एक कहावत है कि दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, पर यहाँ इस वीडियो में दुल्हा दुल्हन के राजी होने के बाद शादी के लिए पुलिस की जरूरत पड़ गई। दुल्हा दुल्हन और इनके पीछे मौजूद पुलिस के अधिकारी को देखकर चौंके नहीं, यह कोई प्रेम विवाह नहीं है बल्कि यह अरेंज मैरिज है। इस शादी में मौजूद पुलिस वालों को देखकर आप कहेंगे कि यह अरेंज मैरिज है तो फिर पुलिस वालों की इसमें क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि यह शादी न सिर्फ अरेंज है बल्कि लड़की लड़का के परिजनों ने शादी तय की है, पर इस शादी को लेकर जब तारीख तय नहीं हो पा रही थी तो लड़की वालों ने शादी की तारीख फाइनल कराने के लिए पुलिस का सहारा लिया। तो पुलिस वालों ने लड़का और लड़की की शादी बिना कोई लगन मुहूर्त के थाना में करा दिया और सारे पुलिस वाले बारात भी बन गए और लड़की वाले भी। हालांकि इस शादी के दौरान लड़का और लड़की के सारे परिजन भी मौजूद थे। यह अनोखी शादी बिहार के भागलपुर में संपन्न हुई, वो भी तिलका मांझी थाना में। इस रोचक शादी की पूरी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे शादी तय करने के बाद लड़के के पिता ने जब तारीख तय करने में आनाकानी करनी शुरू की और मामला थाना पहुंचा तो इस शादी को संपन्न कैसे कराया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? लोधीपुर धवलपुर। क्या पति आपके तैयार थे? हाँ तैयार थे, वो बोल रहे थे चलो हम करते हैं। फिर दो दिन के बाद क्या हुआ, वो बोले कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, यानी कि इनके माता पिता की रजामंदी नहीं? नहीं। तैयार अभी सब कुछ सामान्य है ना? हो गया कुछ। इस शादी की कहानी शुरू होती है भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रभाकर कुमार और तिलका मांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी की रहने वाली काजल से। इन दोनों की शादी घर वालों की रजामंदी से तय की गई थी। शादी तय होने के बाद लड़की के परिजन शादी की तारीख तय करने के लिए लड़के के घर वालों के चक्कर लगा रहे थे और लड़का के परिजन लगातार शादी की तिथि तय करने की बजाय टाल मटोल कर आगे तिथि बढ़ा रहा था। इससे लड़की वाले परेशान थे। लड़की वाले काजल की शादी जल्दी कराना चाहते थे पर लड़का के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसको लेकर लड़की पक्ष के लोग महीनों से परेशान थे और लगातार लड़के वाले के घर का चक्कर लगाकर मान मनोवल कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी दोनों की शादी करा दी जाए, लेकिन लड़का पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे और लगातार शादी की तिथि आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने तिलका मांझी थाने पहुंचकर थानेदार भानु प्रताप सिंह से अपनी आपबीती सुनाई। पूरी कहानी सुनकर थानेदार भानु प्रताप सिंह थोड़े असमंजस में पड़ गए। उनको पहले तो समझ में नहीं आया कि इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए। फिर उन्होंने इस मामले को लेकर लड़का और लड़की के परिजनों को थाना पर बुलाया और मामले की पंचायत शुरू की। थानेदार दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह फैसला दिया कि शादी जब तय कर दी गई है तो आज यानी रविवार को ही शादी संपन्न करा ली जाए। थानेदार की बात दोनों पक्ष मानने को तैयार हो गए क्योंकि मामला पुलिस का था और थाना में ही शादी की तैयारी आनन फानन में कर ली गई और दोनों पक्षों के सामने ही काजल और प्रभाकर की शादी करा दी गई। शादी के दौरान सभी रस्मों को पूरा करने के लिए पंडित भी थाना बुलाया गया और पुलिस वालों ने ही शादी में लगने वाले सामानों को बाजार से मंगाकर शादी की रस्म पूरी करा दी। शादी जैसे ही खत्म हुई कि लड़का और लड़की ने थानेदार के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इसके पिताजी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। किन के? आपके पति के? कितने दिनों से? 6 महीना, 1 साल के लम्स। डेट फाइनल हो गया फिर भी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। आपके पति का क्या नाम है? प्रभाकर। कहाँ के रहने वाले हैं?
दौदीपुर तवल। क्या पति आपके तैयार थे? हाँ तैयार थे, वो बोल रहे थे चलो हम करते हैं। अच्छा। दो दिन के बाद क्या हुआ, वो बोले कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, यानी कि इनके माता पिता की रजामंदी नहीं थी? नहीं। अच्छा, फिर तैयार हुए। सब कुछ सामान्य है ना? खुश हो ना? क्या देखो कैसे कर रहे, मतलब खुश नहीं हो क्या? आपके माता पिता तैयार नहीं थे, अभी क्या सब कुछ सामान्य रहेगा ना घर पर? सामान्य ही, अभी क्या लग रहा है? शादी को लेकर के जो बहुत मने इन लोगों में झगड़ा झंझट हो रहा था, दोनों की सहमति बनाई गई और सहमति के बाद दोनों पक्ष के गार्जियन लोग जो है सो सहमति जताए, उसके बाद शादी। दोनों बालिग थे? हाँ दोनों बालिग। अंतरजातीय की बात तो नहीं? ना ना, अंतरजातीय नहीं, दोनों एक ही जाति। तो दोनों पक्ष के लोग इसमें खुश हैं, लड़की के माता पिता है, लड़का के माता पिता है, कोई राजामंदी राजामंदी है या फिर कोई नाराजगी? नहीं नाराजगी रहती तो शादी नहीं होता, दोनों आदमी की सहमति से शादी। कहाँ के हैं ये लोग? एक आदमी लड़की पक्ष के लोग जो हैं वो इकमशिला कॉलोनी तिलका मस्जिद के हैं, जो मेरे थाना अंतर्गत पड़ता है, और लड़का वाले जो हैं वो लोधीपुर थाना अंतर्गत सबलपुर के हैं। दोनों आदमी थाना पर उपस्थित होकर सहमति जताए और सहमति उपरांत जो है सो दोनों पक्षों के रजामंदी से शादी। कैसे फील कर रहे थे आप? हम तो बहुत अच्छा महसूस किए हैं, थाना ही बाराती मीडिया ही बाराती बने। अभी दोनों पक्ष की ओर से म्यूचुअल कंसेंट शादी को लेकर के, यानी किसी तरह क्या कोई ऐतराज़ कोई माने विवाद नहीं है दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष बहुत खुशी से हैं। बहरहाल थानेदार की इस भूमिका को लेकर भागलपुर में पुलिस की सराहना हो रही है कि थानेदार सिर्फ लोगों को जेल ही नहीं भेजता बल्कि लोगों के घर भी मजबूत करता है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।